दोस्तों, मंगोल 12वीं सदी का वो नाम था जिसे सुनकर बड़े से बड़े हुक्मरान कांप जाया करते थे और जंगे मैदान में मंगोलों के सामने तलवार उठाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, इस बीच मिस्र में एक ऐसे सुल्तान की हुकूमत कायम हुई जिसने मंगोलों को एक शर्मनाक हार का मजा चखाया और दुनिया में जो मंगोलों की दहशत थी उसको भी खत्म कर डाला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स की, जो अपनी समझदारी और बहादुरी के दम पर एक आम बच्चे से मिस्र के सुल्तान बन बैठे। रुकनुद्दीन बेबर्स ने सुल्तान बनते से ही मंगोलों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी और मंगोलों को ये एहसास दिला दिया कि मिस्र को फतेह करना उनके बस की बात नहीं। उस समय हलागू खान इस्लाम को मिटाने के इरादे से मुस्लिम सल्तनतों पर हमले कर रहा था और उसने रुकनुद्दीन बेबर्स को भी बिना जंग के अपनी सल्तनत मंगोलों को सौंपने को कहा। लेकिन रुकनुद्दीन बेबर्स तो अपनी पूरी तैयारी के साथ मंगोलों को हराने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार 3 सितंबर 1260 को सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स ने एने जालूत के मैदान में मंगोलों को एक तारीखी शिकस्त दी और मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से से इस जालिम कौम का नामो निशान मिटा दिया।